हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं द हडसन्स विंटर वॉरियर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने लास्ट मूवी की थी स्नो व्हाइट, उसका ये प्रीक्वल एंड सीक्वल दोनों भी है। यानी इस मूवी की कहानी स्नो व्हाइट के पहले और उसके बाद की कहानी है। तो जब कहानी शुरू होती है तब हम यंग क्वीन रेवेना को देखते हैं। आज भी वो अलग अलग राजा को मार के उनका राज्य हथिया रही थी, लेकिन उसके साथ उसकी छोटी बहन फ्रेया थी। ये दोनों भी एक पावरफुल सॉर्सरेस रहते हैं, लेकिन फ्रेया की पावर्स अभी तक इमर्ज नहीं हुई थी। इसी दरमियान फ्रेया एंड्रू नाम के एक लड़के के पैर में पड़ती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन क्वीन रोवेना उसे वॉर्न करती है कि शायद एंड्रू तुम्हें एंड तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फ्रेया को ये सब कुछ झूठ लगता है और देखते ही देखते उसे एक छोटी बच्ची होती है। एक रात फ्रेया एंड्रू से मिलने के लिए आती है रात में बगीचे में, लेकिन एंड्रू उसके कासिल में जाके उसके बच्ची और पूरे रूम को जला देता है। ये देख के फ्रेया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते उसकी सारी पावर्स इमर्ज हो जाती है और वो एंड्रू को फ्रीज करके मार देती है। उसकी पावर्स होती है द एलिमेंटल कंट्रोल ऑफ आइस, बर्फ को वो कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन इस हार्टब्रेक से वो इतनी ज्यादा इमोशनल हुई थी कि वो इस राज्य को छोड़ देती है और कहीं नॉर्थ में जाके खुद का एक नया किंगडम बनाती है। लेकिन इस आइस क्वीन से सब लोग डरते थे क्योंकि आसपास के जितने भी गांव थे उन सारे लोगों को वो मार डालती थी और उनके बच्चों को अपने कासल में ला के उन्हें वो ट्रेन करती थी ताकि वो उसके आर्मी में शामिल हो। आइस क्वीन को पूरी दुनिया को कॉन्कर करना था, इस दुनिया से प्यार का नाम हटा देना था। आइस क्वीन के राज्य में एक ही रूल था कि एक दूसरे से प्यार नहीं करना है, अगर किसी ने प्यार किया तो वो बहुत ही बड़ा पाप है और उसकी सजा दी जाएगी। इन्हीं बच्चों में हम एरिक और सारा को देखते हैं। बचपन से इन दोनों में एक दूसरे के लिए लगाव था। अब कुछ साल बीत जाते हैं, ये दोनों और बाकी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं और वैसे ही सारा और एरिक का एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ता है। एक दिन दोनों भी इंटीमेट मोमेंट बिता रहे थे तभी सारा अपने माँ का एक वेडिंग नेकलेस एरिक को देती है और उसे कहती है कि अभी हम दोनों भी शादी के बंधन में बन गए हैं। एरिक उससे प्यार करता था और दोनों प्लान करते हैं कि दोनों भी फ्रेया के इस राज्य से निकल जाएंगे। लेकिन उसी रात फ्रेया को पता चलता है इसके बारे में। वो उन दोनों को भी कहती कि अगर तुम मेरे लोगों को हरा सकते हो तो यहाँ से तुम जा सकते हो। देखते ही देखते काफी सारे लोग इन दोनों से भी अलग अलग लड़ने लगते हैं, लेकिन दोनों भी काफी बेस्ट हट्समैन थे इसीलिए बाकी सारे लोगों को मार देते हैं। और दोनों भी जब निकलने वाले होते हैं तब फ्रेया अपने जादू का इस्तेमाल करके बीच में बहुत ही बड़ी बर्फ की दीवार खड़ी करती है और सारा को मार देती है। ये देख के एरिक बहुत दुखी हो जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। यही मौका देख के उसके बाकी के सोल्जर्स आते हैं और उसे मार के समुन्दर में डाल देते हैं। अब कहानी 7 साल फास्ट फॉरवर्ड होती है। इन्हीं 7 साल के बीच में स्नो व्हाइट की जो कहानी थी लास्ट पार्ट वो हो जाता है, जहाँ पे हट्समैन स्नो व्हाइट को बचाता है और वो उसे ट्रू लव ऑफ किस देता है एंड वो वापस जिंदा हो जाती है और उस मूवी के आखिरी में रवेना मर जाती है। लेकिन जो क्वीन रवेना का एक ब्लैक मिरर रहता है जो डार्क मैजिक से बना हुआ था वो अभी भी स्नो व्हाइट के पास ही था, जिसके कारण स्नो व्हाइट धीरे धीरे पागल होने लगती है क्योंकि उस मिरर में डार्क मैजिक थी, एक काली जादू, जिसके कारण बार बार रवेना और उसकी मैजिक उसे मिरर के पास बुलाती थी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये डार्क मैजिक थी जिसके कारण वो अपना मनोबल खो देती है और पागल होने लगती है। इसलिए वो अपने सेना को ऑर्डर देती है कि इस मिरर को उसी जादुई जंगल में रखा जाए जहाँ पे वो छुपी हुई थी क्वीन रवेना से लास्ट पार्ट में। और सोल्जर्स उस मिरर को ढक के उसी जंगल में लेके जा रहे थे, लेकिन किसी कारण से उस मिरर का पर्दा हट जाता है और वो मिरर आसपास के सारे लोगों को हॉर्न करने लगता है। और देखते ही देखते सारी सेना उस मिरर को बीच जंगल में ही छोड़ के भाग जाती है और वो मिरर अचानक से गायब हो जाता है। अब वो कहाँ गया, किसके हाथों में है, ये कुछ भी पता नहीं था। वो मिरर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसे काले जादू से क्वीन रवेना ने बनाया था। अगर वो किसी नॉर्मल इंसान के हाथ लगे तो वो इंसान उस मिरर के सामने टिक नहीं पाएगा, वो मिरर उसे पागल कर देगा। और वही स्नो व्हाइट के साथ हो रहा था। इसी दरमियान हम विलियम को देखते हैं जो कि अभी स्नो व्हाइट का हस्बैंड था। अब बाहर की दुनिया को उस मिरर का खतरा है ये जानने के बाद वो उस मिरर की तलाश में था, इसीलिए वो एरिक को ढूंढ निकालता है और उसे मिरर ढूंढने का काम सौंपता है। जब दोनों भी बातें कर रहे थे तभी एक पंछी का रूप लेके आइस क्वीन यानी फ्रेया ये सारी चीजें सुन रही थी और इसी से फ्रेया को पता चल जाता है कि एक कोई पावरफुल मिरर है जिसकी शक्ति से वो पूरी दुनिया में कॉन्कर कर सकती है। लेकिन एरिक उस पंछी को देख लेता है और उसे समझ आता है कि ये पंछी किसी और का नहीं बल्कि फ्रेया का ही है। और अब अगर मिरर उसके हाथ में लग गया तो उसका क्या मिशन है ये भी उसे पता था, इसीलिए वो मिरर ढूंढने के लिए तैयार होता है और मिरर की खोज में निकल पड़ता है। उसके साथ उसकी मदद करने के लिए 2 डार्फ उसके साथ थे। तीनों भी उस जंगल में चले जाते हैं जहाँ पे सोल्जर्स को लास्ट देखा गया था। वहाँ जाने के बाद पता चलता है मिरर की शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इन सारे सोल्जर्स ने एक दूसरे को ही उसके इन्फ्लुएंस में आके मार डाला था, लेकिन मिरर वहाँ पे नहीं था।
वो तीनों भी एक जगह पे रुक जाते हैं, जहाँ पे फ्रेया के कुछ लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। 3 से 4 लोग अचानक से हमला करने के कारण एरिक भी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी आके इन तीनों को भी मार के भगाता है। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सारा थी। जी हाँ, वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। वो एरिक पे काफी गुस्सा थी कि वो उसे छोड़ के चला गया था। और तभी हमें पता चलता है कि दरअसल फ्रेया यानी आइस क्वीन ने अपने जादू का इस्तेमाल करके दोनों को भी एक अलग अलग विजन दिखाया था। एरिक को ये विजन दिखाया गया था कि सारा मर गई है, तो सारा को ये विजन दिखाया था कि एरिक भाग गया है, जबकि दोनों भी जिंदा रहते हैं। वो एरिक को बताती है कि पिछले 7 साल तक वो फ्रेया के कैद में ही थी और अभी अचानक से वो भाग के चली आई है क्योंकि उसे एरिक से बदला लेना था। लेकिन एरिक उसे समझाता है ये सारी चीजें फ्रेया का मैजिक था, असल में वो भाग के नहीं गया था, उधर ही था। सारा मान जाती है लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर गुस्सा थी। इसी तरह में एरिक को पता चल जाता है कि मिरर एक दूसरे गॉब्लिन्स के जंगल में है, इसीलिए अब चारों भी वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक से ये लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इन्हें दरअसल डोरेन और ब्रियान नाम के दूसरे ड्रॉफ ने पकड़ा हुआ था, लेकिन इनका इंटेंशन पता लगने के बाद वो उन्हें छोड़ देती है। और अब ये 6 जन मिरर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखते ही देखते सारे लोग गॉब्लिन्स के जंगल में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और वहां पे जाने पर उन्हें मिरर दिखता है जिसके ऊपर का कपड़ा निकल गया था, यानी कि उसकी पावर्स के इन्फ्लुएंस में लोग आ सकते थे। और मिरर के आसपास कुछ गॉब्लिन्स मरे पड़े थे, यानी इस मैजिक मिरर के कारण इन गॉब्लिन्स ने एक दूसरे को ही मारा था। एरिक उस मिरर को लेने जाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एक गॉब्लिन आता है और इन लोगों पे हमला करता है। सारा और एरिक की उसके साथ लड़ाई शुरू होती है, तो यहाँ पे 4 ड्रॉफ मिरर को लेते हैं और बांध के वहाँ से भाग जाते हैं ताकि गॉब्लिन से उसे बचा सके। अब इसी लड़ाई के दौरान सारा देखती है जो नेकलेस उसने एरिक को दिया था वो आज भी उसके याद में पहन रहा था, और उसे रियलाइज होता है कि वो सच में उससे प्यार करता था। लेकिन तभी गॉब्लिन पीछे से आके एरिक को मारता है, और देखते देखते काफी सारे गॉब्लिन्स आके इनके साथ लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन सारा कई सारे गॉब्लिन्स को मार के बाद में उनके झुंड को आग लगा देती है, जिसके कारण वो भागते हैं। और उसके बाद वो रोने लगती है, थिंकिंग एरिक मारा गया है, लेकिन वो जिंदा होता है और उस नेकलेस के कारण उसे फाइनली समझ आता है कि वो उससे प्यार करता है। और रात में दोनों भी वापस रियूनाइट होते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती क्योंकि अगले ही दिन फ्रेया इनके ऊपर अटैक करती है जंगल में, और पता चलता है सारा ऑल अलोंग उससे मिली हुई थी। उसने जब ये विजन देखा कि एरिक उसे छोड़ के गया, तब वो क्वीन के साथ ही मिल गई थी और उसी के हट्समैन बन के अभी तक रह रही थी। और जब एरिक मिरर की तलाश में निकल पड़ता है, तब वो सारा को उसे मारने के लिए छोड़ती है, और यही सारा अभी तक कर रही थी। अब इनको मिरर मिल गया था, इसीलिए फ्रेया यहाँ इसे मिरर लेने के लिए आती है। फ्रेया सारा को उसे शूट करने के लिए कहती है, और सारा बिना सोचे उसे शूट कर देती है और वो उधर ही मर जाता है। फ्रेया वहाँ से मिरर लेके निकल जाती है। एरिक ऐसे मरा हुआ देख के उसके ड्राफ्ट काफी दुखी हो जाते हैं और उसका एरो निकालते हैं, लेकिन जैसे ही एरो निकालते हैं वो होश में आ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, सारा ने उसे जानबूझ के ऐसी जगह मारा था जहाँ वो एरो उसके गले में पहने लॉकेट को लगे, और ना कि उसे, वो जस्ट बेहोश हुआ था। और एरिक को भी समझ आता है कि सारा कभी भी अपना निशाना चूकती नहीं है, उसने जानबूझ के लॉकेट पे मारा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे फ्रेया के पैलेस में हम देखते हैं जहाँ पे मिरर को वो समन करती है, और जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमेशा मिरर आता था, लेकिन यहाँ पे आ जाती है क्वीन रोवेना। दरअसल लास्ट पार्ट में स्नो व्हाइट ने उसे मारा था, लेकिन तभी रोवेना उस मिरर के साथ एक हो जाती है और अभी समन करने के कारण वो वापस रेजरेक्ट हो जाती है। रोवेना वापस खुद को क्वीन और इस किंगडम को अपना समझ बैठती है, और अपने बहन फ्रेया को वो ऑर्डर देती है कि हमें अगले ही दिन स्नो व्हाइट और उसके राज्य पे हमला करना है, जिसके लिए पहले फ्रेया अग्री होती है। यहाँ पे दूसरी जगह पे एरिक और उसके दोस्त फ्रेया के किंगडम तक पहुंच गए थे और अगले दिन वो हमला करने वाले थे। अब अगला दिन आता है जहाँ पे फ्रेया अपने सारे बच्चे यानी अपने आर्मी को, जिनको फ्रेया ने बचपन से ट्रेन किया था, उनको वॉर के लिए रेडी करती है स्नो व्हाइट के खिलाफ। लेकिन तभी एरिक आके उसे एरो से मारने ही वाला होता है, लेकिन रोवेना आके उसे बचाती है। अब रोवेना को देख के एरिक काफी हैरान हो जाता है, जितना उसे याद था स्नो व्हाइट पार्ट में वो मारी गई थी। अब फ्रेया एरिक को पकड़ती है, लेकिन मौका देख के सारा फ्रेया को मारने जाती है, लेकिन नाकामयाब होती है। ये देख के फ्रेया हैरान हो जाती है कि सारा अभी भी एरिक से प्यार करती है और उसने उसे उस दिन जंगल में मारा नहीं था। लेकिन रोवेना उसे समझाती है कि ये सब लोग तुझे धोखा देने वाले हैं, और एक एक करके वो इन सारे आर्मी को मारने लगती है। ये देख के फ्रेया उसे रोकने लगती है, क्योंकि फ्रेया के लिए ये उसके बच्चे रहते हैं, क्योंकि उसने बचपन से ही उनको पाल पोस के अपने कैसल में रखा होता है।
फ्रेया उन्हें मरते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और रेवेना रुकने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उनके बीच में वो बहुत बड़ी बर्फ की दीवार खड़ी करती है। ये देख के रेवेना उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुम अभी भी कमजोर हो, मैंने तुम्हें कुछ सालों पहले स्ट्रांग बनाने की कोशिश की थी, आज तुम्हारे पास जो पावर है वो मेरे कारण ही है। अब ये सुनते ही फ्रेया को गुस्सा आता है और उससे सच्चाई पूछने लगती है और तभी रोवेना उसे बताती है कि दरअसल जब फ्रेया प्रेग्नेंट थी तब रोवेना ने मिरर से पूछा था कि सबसे सुंदर लड़की कौन है, तो मिरर ने कहा था अभी के लिए तुम हो, लेकिन जैसे ही फ्रेया की छोटी बच्ची पैदा होगी वो सबसे सुंदर होगी। इसीलिए रोवेना ने एंड्रू के ऊपर जादू करके उसके बच्ची को मार दिया था ताकि वही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहे। अब जैसे ही ये फ्रेया को पता चलता है वो काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी बहन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है क्योंकि रेवेना की स्ट्रेंथ काफी थी। वो फ्रेया को ही मार गिराती है, लेकिन फ्रेया अपने जादू से उस पूरे मिरर को फ्रीज आउट करने लगती है। तो यहाँ पे एरिक, सारा और बाकी की जो भी आर्मी थी जो उनके साइड से थी वो रेवेना को मारने के लिए जाती है। सारा भी उसके साथ लड़ाई करती है, लेकिन रेवेना बहुत ही पावरफुल थी। लेकिन तभी एरिक को समझ आता है कि इसकी सारी शक्ति उस मिरर में है और वो मिरर को ही डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण रेवेना भी देखते ही देखते मिरर में कन्वर्ट होके टूट जाती है और यहाँ पे फ्रेया भी मर जाती है। अब फ्रेया मरने के कारण जितने भी लोग उसने इम्प्रिजन किए हुए थे और अपने मैजिक से जिनको भी फ्रीज किया हुआ था वो अपने आप उस कर्स से टूट जाते हैं और सारे लोग आजाद होते हैं और यहाँ पे सारा और एरिक हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है स्नो व्हाइट के पास में एक मिस्टीरियस गोल्डन बर्ड आता है। दरअसल ये गोल्डन बर्ड और कोई नहीं मिरर या फिर रेवेना हो सकती है और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।